अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि इतना सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीवर्स, आज हम आप लोगों को जो रेसिपी सिखा रही हैं वो है जी हमारे पंजाबियों की सौगात। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा हम लोग आज आपको सिखा रहे हैं सरसों का साग। और ये सरसों का साग कैसे बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही हमारी जौन सी ट्रेडिशनल सी रेसिपी है, हम पंजाबियों की, पंजाब की फेमस रेसिपी है, सर्दियों की सौगात है ये। और आज हम आप लोगों को वो बनाना सिखाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोगों ने जो है साग को धोकर पकने के लिए यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसको रख देना है। तो उसके बाद जो फर्दर इसकी जौन सी होगी रेसिपी वो कैसे बनेगी वो हम आपको दिखाएंगे। और आज की रेसिपी को व्यूवर्स आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की जौन सी हम रेसिपी आपको सिखा रहे हैं वो है सरसों की साग की। और आप लोगों ने इसको पूरा देखना है और देखना है कि मज़ेदार सी जौन सी सर्दियों की सौगात और पंजाबियों की मशहूर डिश साग वो कैसे तैयार होगी। जी तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमने जो आपको दिखाया था तब हम लोगों ने साग मतलब पकने की रखा था, अब ये है जो साग कुछ हद तक पक चुका है। तो आप जानते हैं इसकी रेसिपी क्या है और पूछते हैं मामा से। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाह, ये एक प्याज लहसुन मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। साबत हम लोगों ने जो है लहसुन, अच्छा हाँ जी, ये ना क्योंकि साग ज़्यादा ना, 2 चम्मच नमक, ठीक है। अब हमने इसमें डालनी है हल्दी 1 चम्मच, ठीक है, क्योंकि इसमें पड़ती हैं हरी मिर्चें, लाल मिर्चें हाँ नहीं डलती। ये मैंने ना ग्राइंड कर ली हैं, ये देखें ये मैंने डाल दी, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोग आज जो हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़री में सीख रहे हैं वो है सरसों का साग, पंजाब की सौगात और सर्दियों का लाजवाब तोहफा। हम तो ऐसे बनाते हैं, आप बनाएं इंशाल्लाह वो मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। ये देखने में मिक्स कर देती हूँ, बस और चीज़ें कोई नहीं डालनी, बहुत ही सिंपल है, मतलब मसाले सिर्फ नमक हल्दी। ये जब गल जाएगा ना, मतलब पक जाएगा अच्छी तरह, इसका पानी सुखा के फिर आटा डाल के ना घोटेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आज हम आपको जौन से साग की सही रेसिपी है, क्योंकि कुछ लोग मतलब ग्राइंड करके बनाते हैं वो सही नहीं होता, वो ग्राइंड किया हुआ आई डोंट थिंक सो कि वो साग होता है, वो कुछ और ही होता है। साग जो होता है उसको साग लगना भी चाहिए, वो एक पेस्ट सी, आप उसको साग नहीं कह सकते। तो आज हम आपके साथ जौन सा ऑथेंटिक इसका तरीका है रेसिपी का वो शेयर कर रहे हैं और आपको हम लोग बहुत ईजीली समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि साग बनाने का जो सही ऑथेंटिक वे है वो है क्या। तो हम आज हमने जो आपको मेन चीज़ बताई है साग के वाले से वो ये है कि इसके अंदर हम लोगों ने हरी मिर्चें शामिल की हैं, लाल मिर्च इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी, पकता रहेगा बस, ठीक है। तो ये पक रहा है तो हम आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और आज की जो सी हमारी वीडियो है इसको आप लोगों ने मिस नहीं करना और देखना कि मज़ेदार सा जौन सा सर्दियों का तोहफा है वो कैसे तैयार होगा। ये तो व्यूअर्स, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा साग पकाया जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इसके अंदर अभी पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों से हम लोगों ने कहा था कि साग को पकाने के बाद इसको घोटने का काम होता है, लेकिन इस स्टेज पे अभी हम इसको नहीं घोट सकते क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए आप लोग कितना ज़्यादा, तो थोड़ा सा मतलब ये हो गया है साग और अभी ये पक रहा है, इसको और हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाते हैं जब तक ये पानी खुश्क नहीं होता। जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा इसका तो हम फिर इसको घोटेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम लोग इसको तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की जौन सी हमारी रेसिपी है वो पंजाब की स्पेशल सौगात साग के हवाले से हम तैयार कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जौन सी आज की रेसिपी है वो ज़रूर अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो अपनी फीडबैक ज़रूर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपको इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी जौन सी सौगात जो पंजाब की सौगात है वो सिखाते रहेंगे। और अगर आपको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट को भी पूरा किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को पूरा देखना है और देखना है मज़ेदार सा जौन सा सरसों का साग, पंजाब की सौगात, सर्दियों का तोहफा कैसे तैयार होगा। ये मैं ना आटा डाल रही हूँ, अब ना मैं ना इसे घोटूँगी। तो साग आप लोग देख सकते हैं मतलब कितना थोड़ा सा हो गया है पकने के बाद। तो पहले हमने जब आपको दिखाया था उसका पानी खुश्क नहीं था, ये है घोटना, इसके साथ घोटना, ठीक है। तो हम आपको सारे साग के जौन से स्टेप हैं वो दिखा रहे हैं कि किस तरह इसकी मेकिंग होगी, वन बाय वन हम आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले साग को जब रखा था पकने के लिए तब भी आपको दिखाया,
उसके बाद हम लोगों ने जब इसको गलने के लिए रखा तब भी आपको दिखाया, जब इसका पानी खुश करने लगे थे क्योंकि हम उसको घोटना था तब भी हमने आपको ये दिखाया। मैं ना आपको ना चुगने का तरीका भी बताऊंगी अगली दफ़ा लूँगी ना साग, तो फिर मैं आपको ना चुगने का भी बताऊंगी। तो बिल्कुल ये जो था देसी खाने हैं, लेकिन हम लोग शहरी लोग आपको सिखा रहे हैं क्योंकि ये सुगात होती है और हर कोई नहीं इसको बना सकता, बनाना नहीं आता, सही तरीका नहीं। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ लोग होते हैं ग्रैंड करके पालक पका ली साग, तो वो जो पेस्ट सी होती है वो साग नहीं होता, साग को सच में साग लगना चाहिए। ये देखिए हम ग्राइंडर में भी खा लेते हैं लोग, पर मुझे नहीं वो अच्छा लगता ग्राइंडर में ना, वो एक पेस्ट सी बन जाती है। पेस्ट सी बन जाती है, ये मोटा मोटा सा ना अच्छा लगता है। तो आप लोग ये भी देखते थे कि हमने जो आपके साथ शेयर की, शायद ये कोई शेयर नहीं करता, ठीक है लोग साग बनाते हैं टीवी पे आए जी या जिस तरह भी, अगर आप किसी रेसिपी पूछी तो ये वो हम लोग मेन चीजें हैं जिससे साग अच्छा बनता है। मतलब ये जो हम लोग घोट रहे हैं, किस तरह घोट रहे हैं, क्या चीज शामिल कर रहे हैं, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम लोग आप लोगों के साथ जो भी चीज होती है बिल्कुल उसको एग्जैक्ट और रियल में आपसे शेयर करते हैं। साग में हमने ना पालक डाली थी, बाथू डाला था, तो हरी मिर्चें ग्राइंड करके डाली, हल्दी डाली, नमक डाला और कोई चीज नहीं इसमें डाली और हमने, ठीक है। तो आप लोग दोबारा हाँ रिपीट कर दे कि बाथू, पालक, साग, ये तीन चीजें, ये तीनों चीजों को चुक के ना हमने धोया अच्छी तरह। आपने देखा था ना कितना सारा था, अब कितना काम हो गया, कितनी कर रही हाँ जी, कितना काम सा हो गया ये। अब तो मिर्चें ग्राइंड कर ली थी मैंने, पाव मिर्चें ली थी, पाव मिर्चें सब साग के मिकदार पे, क्योंकि हमने लाल मिर्च तो डालनी नहीं इसके अंदर, नहीं वो ये ना वो कुछ ज्यादा खाता है, मैं हल्की मतलब मिर्चें मुनासिब सी डाली ना, पाव डाली थी मैंने इसमें ग्राइंड करके, और नमक डाला है, नमक तो ठीक है। तो अब इसको घोटने के बाद हम लोगों ने क्या करना, अब ये घोटने के बाद ना लहसुन अदरक का ना वो तड़का लगाएंगे सूप इसे, ठीक है। तो फिर पकाएंगे इसे खूब, क्योंकि आटा है ना इसमें कच्चा, हाँ जी हाँ। तो वो आटे को ना मैंने ना थोड़ा सा पहले भून लिया था तवे पे डाल, रोस्ट किया वो आटा ही, हाँ वो जी बिल्कुल भी आटा ही है ना, कच्चा ही है ना, तो फिर भी इसे पकाएंगे ना अच्छी तरह, तो पका के फिर तड़का लगा के आपको रोस्ट किया आटा, बहुत ज्यादा आपने इसको कर नहीं लेना कि वो जल जाए, काला नहीं, काला नहीं करना, रोस्ट हल्का सा करके आपने इसको शामिल करना है इसके अंदर। तो व्यूअर्स हम आप लोगों को दिखाते हैं कि मजेदार से जो सा साग की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी। तो अब हम इसको घोट रहे हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट साल क्या होगा। हाँ ये देखिए माशाल्लाह वो बहुत उम्दा आ रही है इसकी, क्योंकि भाप या वैसे कितनी निकल रही है जी। तो ये साग जरा सा खारा भी नहीं है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है, बस इसे आप घोट लेंगे फिर तड़का लगा के ना आपको दिखाएंगे। तो ये देख लें व्यूअर्स हम लोगों ने साग अच्छी तरह से पका लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोगों ने इसको घोटा लगाया था, इसके अंदर जो रोस्ट किया वो आटा शामिल किया था, तो इसलिए इसको पकाना था अच्छी तरह, हम लोगों ने पका लिया। पकाने के बाद हम लोगों ने डाल दिया मामा इसके अंदर, हाँ अदरक डाल दिया, ब्रीफ अदरक डाल दिया। अच्छा जी अब हम आपको दिखाते हैं कि फर्दर को कैसे तैयार करना है। ये तो हो गया एक अदरक वाला स्टेप, हाँ जी अब ये तड़के के लिए लीजिए, ये है जी दूसरा स्टेप, मतलब लहसुन, लहसुन का हम लोग तड़का लगा रहे हैं। हम लोगों ने पहले अदरक डाल दिया उसके अंदर, और तड़का जो हम लोग लहसुन का लगाएंगे यहाँ पे, हम लोग साग का जो तड़का है, सरसों का साग, सर्दियों की जौन सा है बेहतरीन तोहफा और पंजाब की सुगात आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, आप डाल सकते हैं मक्खन जैसे आपका दिल चाहे जी, और बिल्कुल किसी भी परेशानी के बगैर आप लोग अब जो उनका साग है वो अपने घर में बआसानी बना सकते हैं, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों को हमने ये रेसिपी शेयर करते हैं ताकि आप लोग बनाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि जो सही रेसिपी है साग बस इसे डायरेक्ट ब्राउन करना है फिर इस तड़का लग जाएगा, ठीक है वो हमने आपको सिखा दी है। और क्योंकि हम लोग पंजाबी लोग हैं, पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा सर्दियों में बनता है साग, तो आप लोग को दिखाते हैं, आप लोगों ने कहीं जाए वीडियो को पूरा देखना है कि मज़ेदार सीज़न से साग की रेसिपी कैसे फाइनल होगी। तो अब हम लोग इसको तड़का लगा रहे हैं, ये साउंड, ये जो साउंड है ना ये सही तड़के की पहचान है, ये देखे माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है तड़का लगाने के बाद। ये जो हमारी साग अभी तैयार हो गया ना, हाँ जी अब तैयार, तो जी अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये हमारा मजेदार सा जो साग है, सरसों का साग तैयार हो गया है, ये इसका लुक और देख लें आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल ये खिला खिला सा जौन सा है बना है। घी का हम लोगों ने तड़का लगाया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मुझसे बोला भी नहीं जा रहा अच्छा
तो हम लोगों ने इसको तैयार कर लिया है और लहसुन का हम लोगों ने तड़का लगा, से पहले हम लोगों ने अदरक शामिल किया है। तो ये इसका फाइनल लुक है और ऊपर से मामा ने फिर इसके ऊपर अदरक डाल दिया है। तो आप लोग इसको खाएं, इसको मकई की रोटी के साथ वैसे ज़्यादा मतलब खाते हैं। वो भी मैं ना किसी दिन ना पका के दिखाऊंगी आपको मकई की रोटी, वैसे मैं आती नहीं, गुजारा कर लेती हूँ मैं, ठीक है। मतलब वो मतलब जो गांव में जिस तरह से इतना से बेचते आती है वो बड़ी बड़ी सी बना लेती हैं, जिस तरह औरतों को होता है उस तरह, लेकिन लेकिन फिर भी माशाल्लाह मम्मा जो है वो बना लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, सरसों का साग और मकई की रोटी तो ये जो है तो ये ले जी, हमने ये आपके साथ शेयर कर दी है रेसिपी, बहुत मज़ेदार सा खिला खिला सा ये जो सा हमारा साग है। रंगत देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है इसकी, ये तैयार हो गया है। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको हमारी आज की जो सी साग की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ आपके साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग व्यूवर्स देख सकते हैं यहाँ पे कि जो साग है हम लोगों ने ग्राइंड नहीं किया, तो आप पता चल रहा है कि ये जो साग है सच में साग है क्योंकि पेस्ट नहीं है, क्योंकि लोग अमूमन पालक को घी इसको ग्राइंड करके बना लेते हैं, उसके जो असल शक्ल होती है ना वो कहीं खो जाती है और वो जीप से कुछ देखने में लगता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि साग हमें पता चल रहा है हम लोगों ने साग बनाया है, कोई पेस्ट नहीं बनाई। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ करें, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।